हेलो एंड गाइस गाइस कैसे हैं आप। गाइस आज मैं आपके लिए यहां पर फिर से एक धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा कि आप भारत पे से जो लॉयल्टी पॉइंट जो पेबैक पॉइंट है वो आप अर्न करते हैं उसको बैंक में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। आज की वीडियो इसके ऊपर रिलेटेड रहने वाली है एंड देरी ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जैसे कि हम भारत पे के एप्लीकेशन के अंदर आ चुके आने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। आप यहाँ पर जैसे कि आपके हमने यहाँ पर लॉयल्टी पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर फीचर्स नहीं देखने को मिलता है, कभी कभार क्या होता है कि ग्लिच आ जाता है, यहाँ पर से ऑप्शन हट जाता है। आपको यहाँ पर थ्री डॉट मोर के ऑप्शन में चले जाना एंड मोर के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर लॉयल्टी पॉइंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लॉयल्टी पर चले जाएंगे। जैसे जाने के बाद हमको यहाँ पर हमारे जो पॉइंट हमने जो अर्न कर रखे हैं वो हमको सिंपली यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे ये पॉइंट शो कर दिए। जैसे कि अभी तक यहाँ पर हमने 7000 टोटल पॉइंट अर्न किया। इसकी कीमत आप जान सकते हैं 1700 रुपये तक, 1750 रुपये तक इसकी कीमत रहने वाली है। हम इसको क्या करेंगे, हम बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे एंड आपको यहाँ पर मैं प्रोसेस समझा देता हूँ। बट यहाँ पर मैं आपको हमने करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको प्रोसेस पूरा का पूरा समझा देता हूँ। आपके लिए यहाँ पर दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। आपके यहाँ पर एक पेटीएम का फास्टैग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली इसको बना लीजिए। यहाँ पर पेटीएम में आप यहाँ पर सिंपली बना सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके पास दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पर मोबीक्विक एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर दो चीज़ें जैसे ही आपके सामने हो जाएंगी, आप यहाँ पर अपने जो बैंक में आप इसको पेटीएम में या बैंक में जहाँ मर्जी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा कि मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट जो पॉइंट थे मैंने अपने पेटीएम में ट्रांसफ़र किया है, मैं आपको उसका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप मोबीक्विक एप्लीकेशन को अपडेट प्रूफ कर लीजिए, आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड आपको क्या करना है, आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ पर जो यहाँ पर बंदे का आइकन बन रहा है यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर चले जाना है। जैसे कि इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर अकाउंट के ऑप्शन में चले जाएंगे, आपको जाने के बाद यहाँ पर आपको पेबैक पॉइंट आपको यहाँ पर शो कर दिए जाएंगे। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर पेबैक पॉइंट आ चुका है, आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया जाएगा। अगर आपको यहाँ पर आपको पॉइंट रिफ्रेश नहीं हो चुका है, यहाँ पर आप रिफ्रेश कर दिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो समथिंग यहाँ पर मेरी पॉइंट की कीमत रहने 1700 से 1750 रुपये तक रहने वाली है। आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है एंड क्लिक करने को यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट आपको या बैंक में आप पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अमाउंट हमारा रेंडमली लिखा आ चुका है, आपको यहाँ पर सिंपली अपने डिजिट डाल देना है। इसकी ये 4 डिजिट होते हैं, अगर आपको नहीं पता है यहाँ पर फॉरगेट पिन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर एक नंबर पर एक OTP जाएगा, वही आपको यहाँ पर एक पिन प्रोवाइड किया जाए। आपको जो पिन आप यहाँ पर भरेंगे तो आपका यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अब जैसे ही सक्सेसफुल होगा आपको क्या करेंगे, आपको यहाँ पर मोबीक्विक एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर आपको मोबीक्विक के जो एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ पर पैसे भेज दिए जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको मोबीक्विक एप्लीकेशन यहाँ पर सर्च करना है फास्टैग। यहाँ पर पेटीएम का फास्टैग आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पर फर्स्ट पेटीएम का फास्टैग आप जैसे कि मैं आपको बता दूँ कैसे कर सिलेक्ट करना है लिखा है। जैसे यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक टैप करना है एंड टैप करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको फास्टैग का यहाँ पर गाड़ी का नंबर आपको यहाँ पर व्हीकल नंबर आ जाएगा। एंड व्हीकल नंबर आने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है एंड क्लिक करने का यहाँ पर आपको जो अमाउंट है यहाँ पर डाल देना है। जो आपका यह मोबीक्विक वॉलेट में जो अमाउंट है वो आपका यहाँ पर पेटीएम वॉलेट में ऐड हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है ये जो हमारा फास्टैग पेटीएम का फास्टैग वो हमारे पेटीएम वॉलेट से ही लिंक होता है। अब जैसे यहाँ पर हम फास्टैग में यहाँ पर हम अपने रिचार्ज करेंगे तो यहाँ पर हमारे फास्टैग के अंदर ही चले जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर महीने में 250 रुपये ही अपने पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप यहाँ सोच रहे हैं आप यहाँ पर जितना मर्जी अनलिमिटेड चाहे कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ, आपको यहाँ पर 250 ही आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो बैलेंस है मैं बैंक में ले जाने में कामयाब हुआ हूँ कि नहीं, शायद आप देख पा रहे हैं कि नहीं, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर एम के यहाँ पर जैसे कि मोबीक्विक यहाँ पर हमारा ट्रांजेक्शन वॉलेट ट्रांजेक्शन आईडी हमको शो कर दिया है। यहाँ से पर हमने जैसे कि 100 रुपीज का जैसे कि हमने यहाँ पर अपने पेटीएम वॉलेट में यहाँ पर ट्रांजेक्शन लगाया था, जैसे कि यहाँ पर हमको सिंपली सक्सेसफुली हमको मिल चुका है। आप इस ट्रिक की मदद से अपने भारत में भी जो बैलेंस होता है वो लॉयल्टी पॉइंट अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप इसको गिफ्ट वाउचर में
लेना चाहते हैं तो आप रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप गिफ्ट वाउचर में रहेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पर सिंपली जो गिफ्ट कार्ड होते हैं आप उसको परचेज कर लीजिए। आप में अपना जो पेटीएम फॉर यहाँ पर आप फ्लिपकार्ट में अमेजोन यहाँ पर ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। आई होप वीडियो में आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसी के साथ वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड अपना ख्याल रखिए। ओके फ्रेंड, बाय।